सोना सोना देख रहा है देखो भाई। हेलो गाइज, वेलकम बैक विद अनदर ब्लॉग। तो गाइज अभी अपन लोग का है सेकेंड डे आज लद्दाख ट्रिप का। तो हम लोग निकलना मनाली के लिए, देखते हैं अगर वहाँ तक जा पाते हैं तो मनाली है वैसे टारगेट तो, लेकिन अगर नहीं पहुँच पाए तो बीच रास्ते में भी रुकना पड़ेगा। बट अभी नॉन स्टॉप हम लोग जाने वाले हैं चंडीगढ़, डायरेक्टली फुल टैंक करवाएंगे हम पेट्रोल पंप से और चल देंगे चंडीगढ़ के लिए। तो जितना जल्दी हो सकेगा चंडीगढ़ पहुँच जाएंगे और अपनी गाड़ियाँ भी तैयार हो चुकी है, बाकी सब भी रेडी हैं। तो चलो निकलते हैं फिर बिना लेट करे। गाइस हम लोग हैं अभी सोनीपत में और हम लोगों ने पेट्रोल डलवाया, अपने टैंक फुल करवाए क्योंकि यहाँ पे पेट्रोल जो है सस्ता है, 95 रुपये का है सिर्फ, और हमारे यहाँ 105 रुपये का, तो 10 रुपये सस्ता पड़ जाएगा आपको। पेट्रोल टैंक फुल करवा लिया हमने, हमारा 18 लीटर का टैंक है तो आराम से चल जाएगी, शायद से मनाली पहुँच जाना चाहिए अब तो। और इसके बाद फिर देखते क्या क्या, पानी प्यास लग रही है अभी, लेकिन पेट्रोल पम्प पर पानी बेकार है, थोड़ा स्वाद में बेकार है ना। ये देखो आप हालत देख सकते हो सबकी, पेट्रोल सोना सोना देख रहा है देखो भाई ऐसे सब। भूख लग रही है यार। भाई अभी चंडीगढ़ से अपन आगे आ चुके हैं और यहाँ पे रुक चुके हैं हाईवे में मनाली के कहीं पे, जगह का नाम नहीं मालूम है मुझे, बट ये ढाबा है। पानी पीने रुके हुए थे हम लोग। तो भाई अभी जितना हो सकता है हम लोगों को मनाली के पास पहुँचना पड़ेगा क्योंकि लोकेश बता रहा है, लोकेश पहले भी गया है, कि 12 बजे डारचा बंद हो जाता है सुबह। अगर अपन मनाली नहीं पहुँचे तो जितनी पास हो सकेगा वहाँ तक पहुँचेंगे, क्योंकि कल सुबह अगर उठ के यहाँ से जाएंगे डारचा तो नहीं पहुँच सकते, पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए जितना हो सकेगा उतना पास जाना है हम लोगों को डारचा मनाली के, या मनाली पहुँच जाए तो और अच्छी बात है, हम लोग थोड़ा लेट उठेंगे लेट जाएंगे। बट अगर नहीं पहुँच पाए तो 4 बजे उठ के हम निकल जाएंगे वहाँ से डारचा के वो लेह के लिए, फिर डारचा हमें क्रॉस करना ही करना है। फिर उसके आगे एक स्टॉप लिया है हमने जहाँ पे जाके हम रुकेंगे, अगर सुबह पहुँच पाए डारचा तक तो वहाँ पे रुक जाएंगे प्लान के हिसाब से, वरना तो फिर पीछे ही हमको होटल वगैरह लेके स्टे करना पड़ेगा क्योंकि रोड क्लोज हो जाता है। तो चलते हैं अभी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या होता है सीन। चलो तो गाइस ये अपन खा रहे हैं, ये है शाही पनीर और वो है आलू मटर, और इसका प्राइस कितना था, 190 था शाही पनीर का और इसका था 130 130 है मेन्यू, वापस देखना पड़ेगा कहाँ है, ठीक है ना छोड़े। प्रॉब्लम की वजह से मनाली भी गए, ये रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं तो
इस तरह का खाना इधर मिल जाएगा। अभी जब हम ऊपर चढ़ेंगे और मनाली से आगे जाएंगे लेह तक, तो इस तरह का खाना नहीं मिलेगा। तो अभी आप देख लो। So guys, अभी सुबह के बज रहे हैं 9:10 और हम लोग निकलने वाले हैं यहाँ से, क्योंकि हम लोग मनाली नहीं पहुंच पाए। गाड़ी खराब हो गई थी, कलच प्लेट चली गई और इनकी गाड़ी की भी कलच प्लेट चली गई, तो शायद रेस वायर भी गए ना। तो अभी यहाँ से हम मैकेनिक से वो सब गाड़ी सुधरवाएंगे और उसके बाद निकलेंगे फिर मनाली के लिए, और हो सकेगा तो उससे आगे भी जाने की कोशिश करेंगे, दारचा तक जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कल था हमारा मनाली तक पहुंचने का, लेकिन रात में गाड़ी बेकार हो गई तो यहीं पे रुकना पड़ा। और ये अपन ने होटल ली थी जिसपे 2 बेड है और इसका प्राइस अपन को पड़ा 1600 रुपए। काफी अच्छी होटल है, एसी भी है, टीवी वगैरह सब है। आप फैमिली वगैरह के साथ आते हो तो यहाँ पे भी रुक सकते हो आराम से, कोई इशू नहीं है। होटल भी अच्छी है और ये बाथरूम है, अंदर से अभी मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि एक लड़का अंदर है। तो चलते हैं अभी ऊपर मनाली की ओर। तो वीडियो अपन करते हैं यहीं पे एंड। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। और एक और चीज, ये हमने रस्सी बांध के सुखाई थी कपड़े धोए हम लोगों ने, क्योंकि ये सब पसीने में हो गए थे और अदर कपड़े हम नहीं पहन सकते क्योंकि धूल काफी है रोड पे ऊपर जाने वाले। तो मिलते हैं डे 3 के ब्लॉग में।